सबक चूंटी। अल्लाह ताला ने छोटे बड़े जानवर पैदा किए हैं, इनमें चूंटी भी एक नन्ना सा जानवर है। ये बहुत मेहनती होती है और मिलजुल कर काम करने की आदि होती है। ये लंबे लंबे सफ़र करके अपने लिए खुराक का बंदोबस्त करती है। चूंटियाँ 3 किस्म की होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी मलका चूंटी होती है। इसके जिस्म पर होते हैं। ये हमेशा बिल में रहती है और सैकड़ों अंडे देती है। दूसरी किस्म की चूंटियाँ कारकुन कहलाती हैं। ये हर तरह का खाना इकट्ठा करके लाती हैं। और तीसरी किस्म की चूंटियाँ मुहाफिज होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी अपने बिल की सफाई सुथराई करना होती है। इसके अलावा वो दूसरे बिलों की चूंटियों को अपने बिलों से दूर रखती है और नई सुरंगें बनाने में मसरूफ़ रहती हैं। चूंटियों की हिस बहुत तेज़ होती है। कोई चीज़ कितनी छुपा कर रखी जाए उसको इसका पता चल जाता है। और ये हर किस्म की मुसीबत बर्दाश्त करके उस चीज़ तक पहुंच जाती है। ये मेहनत करने में शर्म महसूस नहीं करती और मुश्किल से मुश्किल काम से भी नहीं घबराती हैं। चूंटियाँ बहुत होशियार और अकल वाली होती हैं। ये एक लम्हे को भी बेकार नहीं बैठती। ये अगर ख़तरा महसूस करें तो फौरन दूसरी चूंटियों को खबरदार कर देती हैं। कुरान मजीद में भी इनका ज़िक्र आया है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज आ रही थी, एक चूंटी की निगाह उस पर पड़ी तो उसने फौरन अपने साथी चूंटियों को बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज आ रही है, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ वरना ये फ़ौज तुम्हें कुचल देगी। चूंटियाँ मौसम गर्मा में अनाज जमा करती हैं और सर्दियों में आराम से खाती हैं। ये जब बाहर निकलती हैं तो एक सीधी कतार बना कर चलती हैं और हम इंसानों को ये सबक देती हैं कि हम भी सड़क पर इस अंदाज से सफ़र करें। चूंटी बहुत जफाकश जानवर है। अगर दाना पड़ा हुआ नज़र आए तो मिलजुल कर उसे घसीट कर अपने घर ले जाती हैं
और हमें ये सबक देती हैं कि हम भी मिलजुल कर काम करें।